एक्सरसाइज 11.3 समरूपता में एग्जाम्पल नंबर 6 आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, जिसकी एबी समांतर डीसी है। एबी के समांतर क्या है? डीसी। यदि त्रिभुज एईडी समरूप त्रिभुज बीईसी हो, एईडी समरूप बीईसी हो, सिद्ध करो कि एडी बराबर बीसी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो उसमें जो दिया है वो लिख लेंगे, सिद्ध करना वो लिख लेंगे। तो हम सीधे क्या करते हैं, उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या करेंगे, हम त्रिभुज ले लेते हैं एईबी और डीईसी। इन त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज बीईसी व त्रिभुज एईबी में इन दोनों को हम पहले समरूप दिखाएंगे। इसके लिए क्या करें, समलंब चतुर्भुज है जिसकी बजाय हमने ये बजाय क्या होंगे, समांतर होंगी। तो कोण हम नाम दे सकते हैं इसको, एक से शो कर दिया इस कोण को, इसको दो से कर दिया, इसको तीन से कर दो, इसको चार से कर दो। कोण एक बराबर कोण तीन हो जाएंगे। बीसी में कोण एक के बराबर क्या होगा, कोण तीन होगा, क्योंकि एकांतर कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे है, एबी समांतर डीसी और डीबी क्या है, तीर्यक रेखा, तीर्यक रेखा के एकांतर में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए एक बराबर तीन। और इसी प्रकार दो बराबर क्या हो जाएगा, चार। एंगल टू बराबर एंगल फोर, ये भी क्या है, एकांतर कोण। और इसको भी शो कर सकते हैं, वैसे भी शीर्ष अभिमुख कोण है, एंगल डीईसी बराबर एंगल एईबी। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। इसको भी हम बराबर दिखा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कौन 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 समरूपता से, एंगल 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 सिमिलरिटी, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज डीईसी समरूप त्रिभुज एईबी, इनको हम समरूप कह सकते हैं। और जब समरूप कह रहे हैं त्रिभुजों को, तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। उस त्रिभुज की डीई भुजा और इसकी कौन सी ले लेंगे, आगे वाली इसके सामने ले लेंगे ईबी, बराबर क्या होगी इसकी, सीई अपॉन क्या ले लेंगे, इसकी आगे वाली ले लेंगे ईए। को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, सी इक्वल ले आएंगे नीचे
और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं, डीई अपॉन सीई बराबर क्या आएगा, ईबी अपॉन ईए। इसका समीकरण बन देते हैं, तो ये तो हम ये तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दिया और इनकी भुजाएं समानुपाती लेकर एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज बी ई सी, तो चूंकि त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज बी ई सी ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन कह रहा है, उसको मैं समरूप सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, केवल इनकी भुजाओं को समानुपाती दिखा देंगे। तो इस त्रिभुज AED की हम क्या ले लेंगे, DE भुजा ले लेंगे और ये सामने वाला इसके BEC इसकी कौन सी ले लेंगे, CE ले लेंगे, EB नहीं लेंगे क्योंकि EB लेंगे तो फिर पहले की तरह वही बात हो जाएगी DE अपॉन EB। तो अब क्या ले लेंगे, DE अपॉन इसकी DE और इसकी क्या ले लेंगे CE, CE या EC। अब ऐसे ही इस त्रिभुज की AE और इसकी कौन सी लेंगे BE, AE और यदि इस तरफ की AD लेंगे तो फिर इसकी कौन सी लेंगे BC। इनको हमने समानुपाती दिखा दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से समीकरण एक में क्या है DE अपॉन CE, समीकरण दो में भी है DE अपॉन CE, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं EB अपॉन EA लिख सकते हैं या BE अपॉन AEA की बात है, तो हम इसको हटा देंगे, समीकरण एक और समीकरण दो के ये बराबर है, इसकी जगह क्या लिख देंगे EB अपॉन BE लिख लो, EB लिखने के बाद BE अपॉन AE बराबर क्या आएगा AE अपॉन BE, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो छोड़ सकते हो, हमारे इसी से काम चल जाएगा। इधर लिख देता हूं, इस समीकरण तीन हो गया, तीन को हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा BE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर या BE बराबर क्या आएगा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और BE बराबर क्या आएगा AE। समीकरण फोर दे देंगे इसको। अब समीकरण दो से इसमें क्या करेंगे, समीकरण दो में BE बराबर AE रख देंगे हम, केवल आगे वाला पार्ट ले लेंगे AE नीचे B को क्या लिख देंगे, इसको भी A लिख देंगे, या तो दोनों को BE लिख लो या दोनों को AE लिख लो, AD अपॉन BC ये कितना है करके एक आ जाएगा AD अपॉन BC, तो क्या आ गया AD बराबर BC, ये में सिद्ध करना था हैंड्स क्लोज्ड।